एक चुटकी नमक का स्वाद तुम क्या जानो रमेश बाबू, पर ये तो सिर्फ उन्हें पता है जिन्हें नमक स्वाद अनुसार का असली मतलब पता हो। वेल, खाने का शौक किसे नहीं, पर आज मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ उनके पास खाना खजाना है। ऑन टुडेज एपिसोड आई एम मीटिंग इंडियाज बेस्ट शेफ, एंटरप्रेन्योर, ऑथर ऑफ 200 प्लस कुक बुक्स, पद्मश्री संजीव कपूर। It's my honor to treat him with this yummy, delicious feast on this episode of Sunday Brunch with Zomato. Hi. Hello. Namaskar. Absolute pleasure to meet you, sir. Thank you so much for spending time for this. Sir, बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है आपका। बहुत पुराना हो गया अब तो खैर, बट ठीक है। आते रहते हो आप पैंडेमिक में, कम ही यहाँ आना होता है? नहीं, अब तो there's been a streak of me coming. 5 दिन में से 4 दिन आ गया हूँ, तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। So to begin with, आपने how did you enter into kitchen, which is always considered as a woman's domain? अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखें, सो संडे कुकिंग मेन स्पेशली नॉन वेजिटेरियन कुछ है, इट्स अ ट्रेडिशन, लॉट ऑफ मेन गेट इन टू द किचन ऑन संडे, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से। सो माई डैड ही वुड कुक नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो वेजिटेरियन हैं। तो हमारे घर में कुछ भी जो नॉन वेज बनता था, माई फादर वुड कुक। तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि मेल कैन नॉट गेट इन द किचन, तो ऐसा कोई वो डिस्टिंक्शन नहीं थी कि ओहो ये किचन में क्यों जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसे कोई फैंसी रेस्टोरेंट्स तो थे नहीं, तो हमारे आसपास में जो रेस्टोरेंट क्या होता था, वो हलवाई की दुकान होती थी, तो ढाबे होते, हाँ वैसे होता था। तो ये वहाँ तो कोई शेफ़ नहीं होता, वहाँ मालिक होता था या कुक होता था या जो भी होता था, तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि शेफ़ बनना है। आपने बताया योर फादर यूज्ड टू कुक, बट वो एक बैंकर थे, राइट? एंड लाइक यू मेंशन, यू नो आई एम श्योर उस टाइम पे शेफ़ एज अ प्रोफेशन कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, पर जब भी आपने बताया अपने घर वालों कि आप ये करना चाहते हैं, तो घर में ड्रामा सा हुआ या कह दिया वेरी गुड प्रोफेशन, या आपके रिश्तेदारों ने या कभी दोस्तों ने टॉन्ट किया हो कि ये कौन सा काम है? So actually my parents they were used to my madness. बचपन से तब तक भी whatever I had done, जो चीज़ें अलग थी, they had worked for me. So they knew कि अच्छा ये बोल रहा है, तो either he would have researched or he would have thought, and even if he's not done that, उसको पता है कि कैसे करना है। So when I said, तो एक ही मेरे से पूछा, are you sure? मैं कहा जी, though I was not, I had no clue. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच यही था कि जो बेचारे पढ़ाई लिखाई में कुछ कर नहीं सकते थे ना, वो जाते थे, तो मैं वैसा नहीं था। तो मैं फिर भी गया, तो दैट टाइम माई फ्रेंड्स दे वुड से कि इन हिज मैडनेस ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, ही इज बीइंग स्टूपिड, आई गेस things started to fall in place and it worked well. And thanks to you, you know, ghar baithi housewives as well as restaurants mein ghanton tak kaam karte hue chef, unke profession ko bahut samman mila hai, respect mila hai, and I think a lot of people have followed your footsteps and achieved success here. But talking about following footsteps, I want to know, aap Mumbai kaise aaye? Maine suna hai uske piche ek bahut interesting love story hai. So my wife Leona and we were going around, and her father was with Indian Navy, और वो दिल्ली में posted थे, and वो retire हो गए। retire होने के बाद में they are from Mumbai, तो वो यहाँ पर आ गए। ये तो मैं दिल्ली में हूँ, वो मुंबई में हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर नौकरी ढूँढ लेते हैं। तो जो पहली नौकरी मुझे मिली मुंबई में, बड़ी जल्दी मिल गई, मैं कह रहे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो तब उस समय था कि वो ग्रुप के दो होटल्स थे, एक एयरपोर्ट के पास में, एक जूहू में, एंड दे वुड स्टे इन जूहू, उस समय जूहू में रहते। तो मैंने कहा मुझे इफ़ यू वांट मी टू जॉइन, मैं जूहू वाले होटल में ज्वाइन करूँगा। तो आपके इन लॉज तो काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे, ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी बेटी के पीछे पीछे आ गया है। अब पता नहीं, उस वक्त शादी तो हुई नहीं थी कि पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए।
Okay. So is she fond of cooking? Oh yes, she. So her whole family, that's how I know her, because her sister was a chef. Okay. So we're colleagues and so that's how I knew her. Her mom also cooks very well. अब घर के किचन का कौन इंचार्ज है, आप या? नहीं नहीं, इंचार्ज तो मैं किसी चीज में होना ही नहीं चाहता मैं. why should इतना बड़ा बोझ किस क्यों लेना आपने आपने. But no, especially during अभी ये पूरे पिछले डेढ़ साल में, क्योंकि इतना घर में रहे, सब लोग घर में थे, my daughters also, तो और travel बिल्कुल नहीं, बहुत खाना बनाया मैं. बहुत खाना तो आज हम नहीं चाहेंगे आप कोई भी कुकिंग करें, कुकिंग से ब्रेक लेकर आज आपने सिर्फ खाना है. एंड वी हैव ऑर्डर्ड सम ऑफ योर फेवरेट डिशेस एंड वी होप दैट वी आर एबल टू प्लीज यू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. खाना होता है, रुका नहीं जाता मेरे से. खाने के बिजनेस में जो होते हैं, ज्यादा खाना है तो ज्यादा बिजनेस हो गया. राइट, ओह राइट, बरकत है. हाँ. जैसे आप वैसे नॉनवेज खाते हैं? राइट, मैं किसी को भी खा लेता हूँ. किसी को भी, दैट साउंड्स स्कैरी. ओ मतलब सॉरी, वेज, चिकन, मटन, एग, किसी को भी. वाओ, अच्छा ये तो कुछ, ये डोसा है. डोसा है, वाह. Wow, nice. So we've got food from Madras Diaries as well as Delhi Highway, South India se leke North tak. Wow, so much food. चलो आपको डिश तो शायद नहीं पसंद कोई एक पर्टिकुलर, बट इज देयर अ क्विजीन दैट यू रियली एंजॉय, और इज इंडियन और इटालियन और चाइनीज? आई रियलाइज दैट हमारे यहाँ पे के काफ़ी साल तक ये चला जब हमें अपनी चीज़ों से शर्म आनी शुरू हो गई, उसमें खाना भी शुरू हो गया. देयर वाज सो आई मेक इट अ पॉइंट कि जहाँ पे भी हो, वेदर इट्स एट एनी स्केल, एनी लेवल, ग्लोबल हो, कहीं पे हो, तो अपने खाने की बात करूँगा, इंडिया के खाने की बात करूँगा, बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल. आपने बताया आप कितना प्राउड फील करते हैं अबाउट इंडिया. बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, आप फेस्टिवल पर कुछ स्पेशल बनाते हैं घर पर यूजुअली? फेस्टिवल में जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, दैट माय वाइफ मेक्स मोर. अच्छा. हाँ, तो मेरे से जो ज़्यादा डिमांड होती है वो फैंसी खाने की होती है. रेगुलर नहीं. तो आज हम आपके कुकिंग स्किल्स तो टेस्ट नहीं कर सकते, पर आपकी कुकिंग की नॉलेज को ज़रूर आजमा सकते हैं. वी आर गोइंग टू प्ले अ फन गेम विद यू व्हिच इज़ ईट अ मीटर प्रेजेंटेड बाय ज़ोमैटो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So to begin with, tell us what are the two main roti specialities from Ambala? जो दो रोटियाँ हैं, मतलब ढेबरा का खिला दूंगा मैं वहाँ का, बहुत सारी चीज़ें खिला दूंगा, बट आई डोंट नो कौन सी वाली आपको चाहिए वहाँ की रोटी. अच्छा, मीठी रोटी बड़ी अच्छी बनती है वहाँ पे. नेम वन इन्ग्रीडियंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन कच्चे गोश्त की बिरयानी. जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज पैशन. एब्सोल्युटली, पैशन के बिना नहीं बन सकती. आप उसमें बेस्ट चावल ले आए, बेस्ट गोश्त ले आए, आप बाकी कितने भी आप इंग्रेडिएंट ले आए, प्यार और पैशन बहुत जरूरी है. विच स्टेट ऑफ इंडिया आर कश्मीरी लाल मिर्च ग्रोन इन? व्हेन वी टॉक अबाउट मिर्च, लार्जली वी ग्रो कर्नाटका में, हम सबसे ज्यादा हम उगाते हैं. दे दिया आपने आंसर. नो नो, बट दिस इज ये तो स्टार्ट है अभी. बट जो ऐसा नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर में मिर्च उगती ही नहीं है, गलत है, हमने शूट किया. व्हिच डिश इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट वन इन इंडिया? मैं ओल्डेस्ट हिंदू सिटी इन द वर्ल्ड उसमें 3 साल रहा हूँ, तो वहाँ पे कभी ऐसे डिस्कशन हुई नहीं कि ओल्डेस्ट चीज़. सो हमारी ट्रेनिंग जो रही है
वो फ्रेश खाने की रही है, इतनी बासी खाने की नहीं रही है। ओल्डेस्ट तो फेंक देते हैं, ताजी चीजों की बात करो। अच्छा क्या बोलते हैं गूगल, ओल्डेस्ट क्या बोलते हैं? आलू की कचौरी इज द ओल्डेस्ट वन। ओके नाउ दिस वन सिंपल, यू विल हैव टू चूज वन, दिस इज ऑल अबाउट योर ओन प्रेफरेंस। ओके, देसी हरियाणी ब्रेकफास्ट या ऑल इंग्लिश ब्रेकफास्ट? नहीं, डोसा। चटनी बॉम्ब्स और येगो बॉम्ब्स? हाई एनर्जी हाई प्रोटीन बॉम्ब्स। केसरी भात या बिस्मिल्ले भात? बिस्मिल्ले भात। सादा खाना या गुरमे फूड? मौका कैसा है उसके ऊपर। ओके फाइनली, कुकिंग फॉर प्लेजर और कुकिंग फॉर अ कॉज? सो कुकिंग वुड ऑलवेज बी प्लेजर फॉर मी नो मैटर व्हाट, सो वेदर इट्स फॉर अ कॉज और नॉट इट विल बी प्लेजर। बहुत सारी चीज़ों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, अक्षय पात्रा आई वर्क वेरी क्लोजली विद दैट। पिछले जब से पैंडमिक शुरू हुआ तो डॉक्टर्स के लिए तो बात करते हैं आपके शो की, खाना खजाना। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड माई मदर वुड ऑलवेज वॉच खाना खजाना फ्रॉम स्टार्टिंग वन शो टू हैव अ चैनल ऑफ योर ओन। ये हमेशा ही एक आपके प्लान का पार्ट था कि मैंने ऐसे करना है। हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट शो एंड देन द ट्रांजिशन टू दिस चैनल? सो फर्स्ट शो तो जी टीवी नया शुरू होने वाला था। आई वॉज वर्किंग एज अ शेफ इन अ होटल, सो एक हंसल मेहता फेमस फिल्म मेकर डायरेक्टर नाउ, yeah, so he started, he was the producer director. Hansal was unhone to ye I think scam unhi ka hai, right? Yes, that's yeah right. show ka naam ye hai Shriman Bavarchi, bahut bekar naam hai. Main itna pad likh ke aaya aur main I wouldn't say struggling but I was trying to tell the world ki matlab chef bhi ek profession hai, chef padhe likhe log bhi hote hain, aise hote hain. So aur yahan pe show mujhe bol rahe hain ki Shriman Bavarchi, what is this? Maine kaha give me 3-4 days, 3-4 din mein aaya, maine 4-5 naam diye. Khana Khazana was one of them. Uske sath mein uska Hansal ka ek partner hota, Australian guy. Jaise hi maine Khana Khazana bola, no hold on, what did you say? Khana Khazana. He says, I don't know what the hell it means, but phonetically it sounds very good, which it does. तो उसको मतलब भी हो जाएगा, very nice. So सब बड़े खुश हो गए. First episode आपके साथ में कर रहा है, ना ठीक है. हमने first episode किया, so हमारे I am the chef, एक actress, दोनों shoot कर रहे हैं. She was the host because cooking show तो female ही host कर सकती हैं. So female and I am cooking, I am the chef. पूरा दिन शूट कर लिया हंसल से इसकी, वो जो होस्ट है उसके रिएक्शन खाने के साथ कुछ नहीं है, योर रिएक्शन आर वेरी गुड, सो यू शुड होस्ट एंड वील गेट शेफ्स विद यू. मुझे कहे, मैं तो ठीक है. ऐसे करके हमने 3 एपिसोड और शूट किए, वेयर नाउ आई एम द होस्ट और मेरे साथ में शेफ आ रहे हैं. चैनल के पास में गए तीनों शो एपिसोड, चैनल ने रिजेक्ट कर दिया. क्या है कुकिंग शो में मेल होस्ट नहीं, फीमेल, इट हैज टू बी फीमेल. खत्म कहानी हमारी. हमने कहा खाना बनाओ चुपचाप, ये कहाँ टीवी हुई. देयर वाज अ फीमेल होस्ट वाज ब्रॉट इन. अब वो तीनों एपिसोड जो थे उसमें मैं था, वो रिजेक्ट हो गए थे, तो मैं अब एज ए शेफ भी नहीं आ रहा उसमें, तो मेरे तो कहानी खत्म हो गई उसमें पूरी. एक दिन ऐसे एक फ़ोन आता है, आई एम स्टडिंग इन माई ऑफिस, हंसल का, कैन यू हेल्प मी, कैन यू कम एंड शूट. तो क्या हो गया? ही सेज वो ये शेफ, ये रेस्टोरेंट, ये होटल आना था, पूरा प्लान हुआ, वो आए नहीं. तो मेरा तो सारा सेट लगा हुआ है, कैमरा टीम है, सब कुछ है, मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे. मैं कह, मेरा तो एपिसोड रिजेक्ट हुआ है, मैं क्या करूँगा. इफ़ एनीबडी कैन डू यू तो आ तो जाकर हेल्प मी. मैं ओके, इस वक्त बाइक मोटरसाइकिल होती थी, मेरे पास किक मार के हेलमेट पहन ही पहुँच गए वहाँ पे. अच्छा क्या है, आई नो नॉट प्लान कि क्या बनाना है, जो इंग्रेडिएंट, बिकॉज कुछ नहीं सोचा था मैंने, बना दिया मैंने, हो गया. आई डोंट नो उन्होंने चैनल में क्या बेवकूफ़ बनाया, क्या किया. माय एपिसोड वाज स्लिप्ड इन. वो जैसे ही एपिसोड एयर हुआ, द व्यूअरशिप एंड एवरीथिंग, इट वाज लाइक, अगर बाकी एपिसोड जिसको पता भी नहीं है इससे पहले हुए थे, लाइक नोबडी नोज आल्सो, माइन वाज लाइक दिस.
चल कि ये क्या हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ ही इज़ द गाय, ही शुड बी डूइंग इट। फिर उसके बाद तो 19 साल तक नॉन स्टॉप मैंने वो शो किया। वाओ। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द शो, फिर उसके साथ में और चीज़ें हो गई, बुक्स करी, वेबसाइट, रेस्टोरेंट्स, मेनी थिंग्स आई स्टार्टेड टू बिल्ड। तो मैंने कहा दिस इज ऑन बैक ऑफ वन शो, अगर ये शो बंद हो जाएगा तो शो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, किस पे डिपेंडेंट हैं, चैनल पे, चैनल ही मेरा होगा तो कौन शो बंद करेगा। तो इसलिए चैनल लॉन्च कर दिया हमने। I don't know, आप सब में से किसको ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता है, एंड आई एम सो ग्लैड टू हियर दिस स्टोरी फ्रॉम यू ऑन दिस शो, सो अमेजिंग। तो अभी आपका जो चैनल है तो उसकी कितनी हद तक आप इन्वॉल्व है, बिकॉज रनिंग अ चैनल इज अ बिग डील, देयर आर सो मेनी पीपल, कोऑर्डिनेशन, एंड इट्स स्टार्टेड, यू नो, इट हैज़ अ रेप्यूटेशन बिकॉज इट इज़ अटैच्ड टू योर नेम, एंड आई एम श्योर बिकॉज यू आर सो पैशनेट अबाउट इट, इट्स सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग विद डिफरेंट टीम्स एंड ऑल ऑफ दैट। एज आई से इन माय बिजनेस, मैं इंटरफेयर नहीं करता कोई भी बिजनेस में, पर मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, कहीं कुछ जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो जो सामने है तो हाउ कैन यू डू दिस, बट फॉर्चुनेटली वी हैव गुड पीपल, गुड टीम्स हु डू, बट आई आईड बी लाइंग इफ आई सेड दैट इफ एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग इट डज नॉट अफेक्ट मी। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, यू नो, हाउ अ शेफ हु स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी विद जस्ट कुकिंग, मे बी आपने अपनी इतनी अच्छी तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया था, टुडे यू आर एन एंटरप्रेन्योर, एंड लास्ट व्हेन आई वाज चेकिंग यू हैव योर होम अप्लायंसेस कंपनी, यू हैव ओवर 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो हाउ डिड इट ऑल हैपन फॉर अ शेफ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और कितना आसान या मुश्किल होता है फॉर समबडी हु इज पैशन ड्रिवन टू एक्चुअली बिकम अ बिजनेस ओनर? व्हेन यू आर डूइंग इट एज अ बिजनेस, नो मैटर वेदर यू ओन दैट बिजनेस और समबडी एल्स, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने डोसा बनाया और आपको ये नहीं पता कि उसकी कॉस्ट कितनी है, आपको ये नहीं पता कि वो कितने में बिकेगा, बिकॉज यू आर सपोज टू नो। घर में जो घर खाना बनाती हैं महिलाएं, उनको भी पता होता है, दे ऑल्सो नो हाउ मच इट कॉस्ट। सो नो मैटर हु आई वर्कड फॉर, आई ऑलवेज वर्क एज इफ इट वॉज आई वॉज वर्किंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज दैट सिंसियरिटी यू हैव टू ब्रिंग इन। आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपको किसी दूसरे के लिए दर्द होगा। तो फॉर मी इट वॉज नेवर ट्रांजिशन, आई जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, आई हैव नॉट चेंज्ड। इट्स जस्ट दैट पीपल व्यू इट एज कि आप एंटरप्रेन्योर, आप शेफ हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि शेफ तो एंटरप्रेन्योर होता ही होता है, राइट? पर इसके अलावा आपके क्या शौक है? वी नो अबाउट फूड, वी नो अबाउट फोटोग्राफी, वी नो अबाउट द ड्रम्स दैट वी आर सीइंग हियर इन द बैकग्राउंड व्हिच वी आर गोइंग टू आस्क यू टू प्ले इन अ लिटिल व्हाइल। पर उससे पहले जानना चाहूंगी ट्रैवलिंग, व्हाट डू यू एंजॉय सो मच अबाउट ट्रैवलिंग? सो थिंग अबाउट ट्रैवल इज इट्स अ ग्रेट टीचर, या इट टीचेस यू सो मच अबाउट पीपल, प्लेसेस, एनवायरनमेंट, biodiversity, there is so much to learn, there is, मतलब आप जितना जल्दी travel के साथ में सीख सकते हैं किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते, मतलब I can tell you कि मैं इसमें इस show में से क्या सीखा मैं बता सकता हूँ। क्या सीखे आप? Very curious to know. Yeah, so I've been, so this is me, right? Yeah, sure. I've been doing shows forever on TV, and one of the things is my smile, okay? If the period that we have shot together, if we were to break shots and take your shots and my shots as single camera, and the percentage of smile, if we were to say, yours would be 95-98%, mine would be at around 60%. How do you do that? How do you continuously smile, right? I'm just so interested and intrigued by what you're saying. No, but seriously. But there are times when I see some content which we have not produced, and I would say, ki, Sanjeev, you should be smiling in this shot, right? Now I'm trying not to smile. So, it's a bit difficult. No, but seriously, yeah. I'm saying, no, see, it,
especially when you are known for that, right? It's something. So I said, ये देखो इसको कितना बढ़िया से continuously smile कर रही है. बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बातें कर इसीलिए स्माइल कर रही हूँ. बट बिफोर वी रैप, आई रियली वॉन्ट यू टू गिव एनी क्लोजिंग थाट्स फॉर एनी बडी हु इज़ पैशनेट आउट देयर, जिसे अपने करियर में आगे बढ़ना है. आप जहाँ आप हैं आज वहाँ तक पहुँचना है, वॉट आर द फ्यू एट्रीब्यूट्स दैट दे शुड हैव एंड हाउ शुड दे बी वेयर यू आर? सबसे पहली बात, जहाँ मैं हूँ वहाँ ना पहुँचो. यहाँ पहुँचना है तो सबसे पहले ये सोच खत्म कर दो, सोच की ये कंजूसी खत्म कर दो. बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर एक्शंस. कंसिस्टेंसी इज लाइक कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी. कीप ऑन क्रिएटिंग दैट नॉलेज बेस. व्हेन इट विल बेनिफिट वी डोंट नो, सो नो नॉलेज गोज वेस्ट. मोर इम्पॉर्टेंटली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से हैव अ ग्रेट वैल्यू सिस्टम. जो बोरिंग चीज़ें होती हैं ना बचपन में बोलते हैं कि ऑनेस्टी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, वो चीज़ें रियल हैं. काफ़ी सारे लोग जो यंग शेफ्स हैं मुझसे पूछते हैं कि सर सेलिब्रिटी शेफ कैसे बन सकते हैं? मैं कह नहीं बन सकते. क्यों सर? मेरे को होता नहीं है कोई सेलिब्रिटी शेफ. ऐसे सेलिब्रिटी शेफ नहीं बन सकते आप. यू हैव टू क्रिएट अ बॉडी ऑफ वर्क दैट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग. सो क्लियरली सम क्लोजिंग थॉट्स कमिंग इन. ड्रीम बिग, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड एंड हैव अ गुड वैल्यू सेट. जो चीज़ें बोरिंग लगती है वही शायद आपके लिए बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच शेफ फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन, योर जर्नी. बहुत ही मजा आया सर आपसे बातें करते हुए. थैंक यू कामिया, थैंक यू वेरी मच. आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल ड्रम सेट राइट इन योर ऑफिस. जरूर आपको इसे बजाने का भी शौक होगा. गुस्सा आता तो मारता हूँ. तो अब उसके लिए आपको गुस्सा दिलाना पड़ेगा या आप खुद ही कर लेंगे? वाओ शेफ, तो आप सिर्फ शेफ और एंटरप्रेन्योर नहीं बट एक म्यूजिशियन भी है. दैट इज सो कूल. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस. पर अभी हमारे डिजर्ट वेट कर रहा है. लेट्स गो फिनिश सम, हैव सम जलेबी एंड रसमलाई.